चाहत पूरी ना हो तो दोषी भगवान है, और अगर मिल जाए सब कुछ तो क्या मेहनत का कमाल है। सारा चीज़ मैं वो बताऊंगा, तो फिलहाल आगे चलते हैं। ये देख सकते हो यहाँ कॉफी कैफ है कि, तो यही ये मतलब आपको यहाँ रिसेप्शन पे मिल जाएंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप एक बार इस होटल में आके आप जरूर आओ, और भाई का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई भी पूछना हो या बुक करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ का रूम देखोगे बहुत ही अच्छा है, तो एक बार भाई आपका क्या नाम है? योगेश। योगेश भाई का नाम है, तो आप कभी भी कॉल करो, मैं डिस्क्रिप्शन सारा नंबर दे दूंगा। एसी है फिलहाल, मैं हीटर चला दूं क्योंकि बहुत बाहर में ठंड था, इसीलिए इधर बैग रखा हुआ है, इधर बेड है देख सकते हो दोनों। ये देखो बाथरूम है, ये टब और ये गीजर सब कुछ ऑलमोस्ट, शावर ओवर ले सकते हो फर्स्ट क्लास। तो बेस्ट मैंने मैक माई ट्रिप से बुक किया था, तो आप भी मैक माई ट्रिप से बुक करके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम यार। आपको पूरा होटल दिखाएंगे, पूरा होटल आपको दिखाऊंगा, उसके बाद चलो दिखा। इधर देखो रेस्टोरेंट टाइप का, आप यहाँ बैठ के चाय कॉफी पी सकते हो सब। फ्लोर नंबर 5, मतलब टोटल 5 फ्लोर का बना हुआ है ना, ये पूरा इधर से दिखता है कितना अच्छा, देख लो एक बार दिखा दो पूरा अच्छा से। होटल दिखा दिया है, ठीक है, कर्मा ट्रैवल्स होम, तो बहुत अच्छा होटल है, आप बहुत 5 फ्लोर का है, रूम हमेशा अवेलेबल है, बहुत अच्छा रूम है, क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस भी बहुत अच्छा है। लोग अभी खाना खाने के लिए, बहुत भूख लग गया था फिलहाल, हम लोग प्लेन रोटी और चिकन मसाला और पनीर मैंने ऑर्डर किया, तो फिलहाल अभी आता है तो फिर वो दिखाएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत जोर से भूख लगा हुआ है क्योंकि मतलब मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे थे, उसके बाद ट्रेन लेट करी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का था, तो डायरेक्ट अभी खाना खा रहे हैं। फिलहाल अभी आगे का बताते हैं। का खाना आ गया है, चिकन मसाला, मटर पनीर है और रोटी है और ये चटनी है और ये, तो फिर अभी खाते हैं फिर आगे बताते हैं कैसा है। हम लोग खाना उना खा के फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, होटल रूम। तो फिलहाल हम लोग जा ही रहे थे, ठीक है। ब्लैक टी पीने का मजा ही कुछ है। हम और सचिन आ गए हैं होटल से, ये पशुपतिनाथ मंदिर, तो फिलहाल हम लोग ये पटाव ऐप से आए हैं, जो 100 रुपया के लगभग लगा है हम लोग को, नेपाली 100 रुपया, तो आप लोग भी बुक कर सकते हैं, इसका ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, आप बुक कर सकते हो। फिलहाल हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर आ गए, तो उसका ब्लॉग बनाते हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदि देव। हम ये देख सकते हो पशुपतिनाथ मंदिर का ये मार्केट है, बहुत ही ये बाहर से भी अंदर जाएंगे और दिखेगा। देखो पशुपतिनाथ का मंदिर का अंदर का है फिलहाल ये। हम और सचिन ये पूजा वाले ले लिए, 200 रुपये लगा है इतना, ये छोटा सा डालेगा, बट कोई बात नहीं, चलो चलते आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। भोलेनाथ की जय हो। ये देखो पशुपतिनाथ मंदिर इधर है, अंदर का वीडियो अलॉटमेंट नहीं है क्योंकि बोला गया अंदर में नहीं वीडियो कर सकते हैं, तो इसीलिए अंदर का नहीं, बट बाहर से आप अच्छा से देख लो। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या ना।
ये पशुपतिनाथ भोलेनाथ का मंदिर है, अंदर का वीडियो अलाउड नहीं कर सकता, बाहर से देख। हम लोग पशुपतिनाथ भोलेनाथ जी का दर्शन हो गया है, और दर्शन करने के बाद लगता है इतना एनर्जी है कि बता नहीं सकते, बस आप यहाँ आके फील कर सकते हो। तो फिलहाल अंदर का तो वीडियो का अलॉटमेंट नहीं है, आप अंदर जाओगे ना तो वो देखोगे ना तो आपको ना लगेगा हाँ मतलब दुनिया भगवान है तो दुनिया चल रही है। ठीक है, कि आप एक बार ज़रूर आओ पशुपतिनाथ मंदिर भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए। तो अब मैंने यहाँ का वीडियो मैंने शूट कर लिया, हम लोग पूजा भी कर लिए हैं, तो फिर अभी आगे जाएंगे, फिर आगे का दिखाते हैं क्या क्या है। पूरा मैं यहाँ का दिखाता हूँ क्या क्या है सीन। हम लोग ये देखो इधर सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव हे महेश्वरा। ये देखो वोडाफोन का टावर है, भोलेनाथ मंदिर के दर्शन करके होटल जा रहे हैं। हम लोग ने टैक्सी किया है 400 रुपीज़, चावल दाल और ये सब्जी है चना का जो हम लोग ने ऑर्डर किया हूँ। सचिन अकेले अकेले ठूस रहा है, इसको तो शर्म ही है नहीं, और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं अकेले खाने वाला हूँ। पता है लड़के लोग जब खाना खा के पानी कैसे पिए, ऐसे करते हैं, ये क्या मन में ऐसे करें। हो गया, यहाँ काठमांडू में कोई भी नेपाल के दुकान पे आप आओगे तो किराना आइटम तो सारा अवेलेबल ही है, देख सकते हो जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मिल सकता है, और साथ में ये तो कंपलसरी है, हर दुकान में जाओ सारा ब्रांड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो उधर। हम लोग इसमें आएंगे पार्टी कल, तो कल का ब्लॉग होगा इस डिस्को के लिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है।